नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। साथियों, आज हम देखने वाले हैं SBI की एक धमाकेदार स्कीम के बारे में, जिसके अंदर आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलेगा। जनरली आप फिक्स डिपॉजिट वगैरह रखते हो, लेकिन आज हम देखने वाले हैं आपके लिए एक सूटेबल प्लान है, पेंशन प्लान, यानी कि इसके अंदर काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलेगा। ये नया फंड है, इसके अंदर बहुत सारे लोगों ने पैसा लगाया है, और SBI मतलब भरोसा, यानी कि ट्रस्टेबल बैंक है, भारत का सबसे बड़ा बैंक है। और दूसरी बात यह है कि SBI की जो म्यूचुअल फंड की जो कंपनी है वो भारत की सबसे बड़ी कंपनी है, बहुत सारे लोगों ने इसके अंदर पैसा लगाया है, इसके लिए कोई टेंशन वाली बात है नहीं। आज की इस वीडियो में हम डिटेल में देखने वाले हैं क्या कुछ खास है इस स्कीम के अंदर। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हैं चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे यारो, और वीडियो को लाइक कर दो अगर अच्छा लगता है तो। दोस्तों, ए फंड का नाम है SBI रिटायरमेंट बेनिफिट फंड एग्रेसिव हाइब्रिड प्लान, यानी कि एक पेंशन प्लान है। इसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलेगा, और इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने की वजह यह है कि हम पेंशन, हमें 60 साल के बाद अगर पेंशन चाहिए, या फिर 20-30 साल के बाद कोई आकस्मिक बड़े खर्चे हैं, जैसे बेटी बेटा की शादी है या फिर एजुकेशन के लिए, तो ये स्कीम काफ़ी अच्छी है। इसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करके आराम से पैसा कमा सकते हो। अभी दोस्तों बात करते हैं इसके रिटर्न के बारे में। दोस्तों, इसका ऑल टाइम रिटर्न, यानी कि जब से फंड आया इसने रिटर्न निकाल के दिया है 14.5%, और लास्ट वन ईयर का रिटर्न इसने निकाल के दिया है 6%। दोस्तों, ये तो हो गई रिटर्न की बात। अभी दोस्तों इसमें बात करते हैं इसका पैसा कहाँ कहाँ लगा है, यानी कि आपने तो म्यूचुअल फंड को पैसा दे दिया, लेकिन ये पैसा लगाता कहाँ है। इसकी हम मेजर बात करें तो इसने ICICI बैंक में 5.5% पैसा लगाया है, आप देख सकते हो। फिर HDFC बैंक में लगाया है, इन्फोसिस में लगाया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में इसका 4% तक का रिसेंट इन्वेस्टमेंट है। फिर हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस के अंदर 4% है, यानी कि नेशनल हाईवे की अथॉरिटी के एक्सिस बैंक में, यानी कि जिसमें भी इसने इन्वेस्ट किया है वो भी काफ़ी अच्छी और स्ट्रॉन्ग कंपनी है, इसके अंदर इसने इन्वेस्टमेंट किया है, इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अभी दोस्तों इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो इसका लॉक इन पीरियड है 5 साल, यानी कि 5 साल तक आप इसमें पैसा निकाल नहीं सकते हो। अभी दोस्तों इसमें बात करें तो इसके अंदर आप SIP के जरिए भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और लमसम के जरिए भी कर सकते हो। अगर आपको SIP करनी है तो 500 रुपया से स्टार्ट होगा, यानी कि हर महीने 500 रुपया आपके कटेगा और आप SIP कर सकते हो। और लमसम की बात करें तो आपको एक साथ 5,000 भरना है, और मैक्सिमम आप कितना भी भर सकते हो, 50,000 लाख जितनी आपकी कैपेसिटी है। और अभी इस फंड का बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है एग्जिट लोड, यानी कि ये फंड आप बीच में क्लोज करवाते हो, ये फंड आप बाद में क्लोज करवाते हो, तो एग्जिट लोड 0, यानी कि कोई चार्ज लगवाना नहीं है इसके अंदर, इसलिए काफ़ी अच्छा ये ऑप्शन है। अभी दोस्तों इसके अंदर बात कर लेते हैं आपने कितना पैसा लगाया तो आपको कितना पैसा मिलेगा। हम 14% के हिसाब से काउंट करते हैं इसके अंदर। अभी SIP हम कैलकुलेट करते हैं, आपने 1,000 रुपये की SIP की, यानी कि हर महीने आपका 1,000 रुपया कटेगा, और 30 साल तक ये आप प्लान चलाते हो तो आपका टोटल पैसा जमा हो जाएगा 3,60,000, ये आपका पैसा है। और इसके अंदर 14% रिटर्न के हिसाब से हम कैलकुलेट करें तो इसमें आपको मिलेगा 51,97,000, यानी कि 52 लाख रुपया तक आपको इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिलेगा। तो टोटल होगा 55,57,000, यहाँ पे आपको 55.5 लाख तक आराम से 30 साल में बन जाएगा, केवल 1,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करना है। अभी दोस्तों हम 25 साल की बात करें, अगर आप 1,000 रुपया 25 साल चलाते हो तो इसमें आपका इन्वेस्टमेंट होगा 3 लाख, और रिटर्न होगा 24,27,000 रुपया, और इसके सामने जो टोटल अमाउंट बनेगी वो बनेगी 27,27,000 रुपया। देखो, 5 साल में सीधा आधा हो गया, यानी कि कंपाउंडिंग पावर, आप ज़्यादा लॉन्ग टर्म SIP वगैरह रखोगे तो काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।